उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने अकेले के दम पर 255 सीटें जीती हैं। वहीं एक सीट ऐसी है जहां से भाजपा उम्मीदवार 2 लाख से अधिक वोट के अंतर से जीता है। वहीं 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। जीत के बाद आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कौन से बड़े वादे किए थे जिन्हें अब भाजपा को पूरा करना होगा। भाजपा ने 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। वहीं सरकार बनने पर गन्ना भुगतान 14 दिन के भीतर कराने का वादा भी किया गया था। भाजपा ने विधवा महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपए करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का वादा भी किया है। वहीं महिलाओं के लिए 5 सालों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार देने का वादा करते हुए अगले 5 साल में हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्युदय योजना के अंतर्गत UPSC, UPPSC, NTA, CDS, JEE, NIIT, TET, CLAT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इच्छुक युवाओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अब जबकि भाजपा की योगी सरकार पूर्ण बहुमत से लौटकर आई है तो उसके सामने अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ।